ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2024 के अव्यक्त इशारों में बाबा हमें जो गुण पक्का करा रहे हैं वो है चेक और चेंज, जिससे ही परिवर्तन आता है। परिवर्तन करने के लिए चेकिंग भी करनी है, लेकिन चेकिंग से काफ़ी नहीं, चेंज भी करना है। तो ये परिवर्तन का या चेक या चेंज का गुण कैसे संस्कार मिलन सहज करा देता है, सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि एक सेकंड में बदल जाए। जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है वह बदल कर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत ना रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन से कोई को भी दुख ना हो। कहावत है, मुड़ना व झुकना ये इंसान की शान होती है और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। अर्थात जिसमें जान है वो हमेशा परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है, और जो बिल्कुल अड़ा हुआ हो, परिवर्तन ना हो सके, वो उसमें जान नहीं, जान होते हुए भी उसके अंदर रियलाइजेशन नहीं है। तो बाबा हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी धारण कराते हैं ज्ञान के द्वारा, रियल गोल्ड बनाते हैं जो बहुत सहज मोल्ड हो सके। जैसा ढांचा वैसा उसका रूप बन जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रिंसिपल्स और धारणाओं को हर एक के लिए मोड़ते रहें, नहीं, लेकिन संस्कार हम बहुत सहज किसी के साथ भी मोड़ सकते हैं। जो बाबा ने आज कहा कि कोई भी बात आ जाए एक सेकंड में हम परिवर्तन हो जाएं, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगे और एक सेकंड में हम आगे बढ़ जाएं। तो ये परिवर्तन हम आत्माओं में जब आता है तभी विश्व परिवर्तन आ सकता है। विश्व को परिवर्तन करना यूँ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं अगर हम आत्माएं अपने आप को परिवर्तन कर लें और ये एक्सपेक्ट ना करें कि दूसरे वाला भी, सामने वाला भी परिवर्तन हो। कभी भी विश्व परिवर्तन के लिए सभी आत्माओं का परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो आत्माएं अपने आप को उस नए विश्व में ले जाना चाहती हैं उनका परिवर्तन आवश्यक है। तो आज बाबा ने इसीलिए इस परिवर्तन के ऊपर जोर दिया है। जितना सहज हम अपने आप को अनादि आत्मा समझेंगे, जिसका ना ये नाम फिक्स है, ना ये रोल फिक्स है, ना ये सेवा फिक्स है। अगर कोई चीज़ बदल भी गई, मान लीजिए हमारी सेवा बदल भी गई, मान लीजिए कि हमारा जो कार्य हम करते हैं वो बदल भी गया, तो भी हमने 84 जन्म लिए, 84 नाम हमारे पड़े, 84 माता पिता हमें मिले, 84 अलग अलग जन्म के अलग अलग रोल्स हमने निभाए। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर अपना समझकर बैठे रहेंगे तो परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चेंज करना, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को मोल्ड करना सहज होता है जब हमें ये पूरा ड्रामा और इस ड्रामा के अंदर, चक्र के अंदर हमारे किए गए अलग अलग किरदार स्मृति में होते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे अनेक बार ये ज्ञान लिया है, अनेक बार परिवर्तन हुए हैं, अनेक बार संपूर्ण बने हैं, ऐसे ही अब भी वो संपूर्णता की लहर फैलाने के लिए, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। बात बदले ना बदले, व्यक्ति बदले ना बदले, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे परिवर्तन करना है। ओम शांति।